दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों सर्दी बहुत बढ़ गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई सर्दी की चपेट में आ जाए। जरा बच के रहना, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो सर्दी से अपने आप को बचाना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये नया साल भी आने वाला है, 2021 अलविदा कह जाएगा, हम 2022 में कुछ ही दिनों में प्रवेश कर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये जाने वाला साल हमें कुछ दे कर जाए। मैं इसी आधार पे आपके सामने एक वीडियो ला रहा हूँ मैं ये, और मैंने वादा किया है अपने आप से कि मैं बहुत से उन बच्चों को, उन लोगों को जगा दूंगा जो आज गफलत की नींद में सोए हुए हैं। इसी पे ये वीडियो, मैं आपको दो चार पांच टॉपिक दूंगा। आप अपने आप से विचार करिएगा कि मेरे टॉपिक दिए हुए आपके जीवन में कितने काम आने वाले हैं। ये टॉपिक आप जब आजमाओगे, जब देखोगे, जब सोचोगे तो बहुत काम के होते हैं। दोस्तों जो समय निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा, और आज जिस प्रकार आप अवायर नहीं हो अपने जीवन से, अपनी लाइफ से, आपके दिमाग में कोई सोच नहीं है, तो ये समझिए कि जीवन बेकार है। तो मैं आज आपको कुछ ब्रेक दे रहा हूँ, कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे आपके जीवन में जीने की, बढ़िया तरीके से जीने की लालसा जग जाए, और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं उससे कितने पादान ऊपर चढ़ जाएं सन 2022 में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रवि गिरी, और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रवि गिरी बाबा का सच। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों मैं उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ आज, और उन लोगों को बता रहा हूँ कि आपके लाइफ में इतना बड़ा सपना है ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं, जो आपको जल्दी उठा सके। इतना बड़ा सपना आपने कभी सोचा ही नहीं, जबकि हमारी लाइफ में हमें दो काम करने होते हैं। पहला हमें बहुत अच्छा सपना देखना, और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए अपने जी जान से जुट जाना। लेकिन हमने ऐसा सपना कभी सोचा ही नहीं। हम दूसरों को देख के बातें कर लेते हैं, वो बड़ा अमीर है, वो बड़ा धनवान है, उसकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसके बड़े कारखाने हैं, उसके पास नौकर है, गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। अरे हम भी तो सपने ले सकते हैं ना। आप सपने लेके देखिए और फिर उनको पूरा करने के लिए सोचिए। आप रात को 2 बजे तक जागते हैं, क्या करते हैं? सपने नहीं देखते, दूसरे के सपनों को आप साकार होते हुए देखते हैं, और बस ये सोच लेते हैं कि यार वो उनका सपना था, पूरा हो गया, हमसे पूरा नहीं होगा। नेगेटिव दिमाग कभी नहीं रखें। इसलिए आप इतना बड़ा सपना सोचिए, इतना बड़ा सपना सोचिए, और फिर लग जाइए उसके पीछे, उसको साकार करने के लिए। एक दिन आप भी उनके बराबर उसी मुकाम पे खड़े होंगे। दोस्तों दूसरी बात, कभी आपने ऐसा नहीं सोचा, सपने कई बार ले लेते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि तुम सपने नहीं देखते हो, सपने भी देखते हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप कोई प्रयत्न नहीं करते। आपका बड़े दिमाग से, बड़े गौर से आप सपने को सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो, उसके बाद में फिर आपका दिमाग एकदम से सुबह से दोपहर तक सोचते हो, शाम का आपका दिमाग पलट जाता है। अरे यार क्या है, वो उनकी किस्मत में था, हमारी किस्मत में नहीं है। अरे भैया ये किस्मत क्या बला है, इसको हम ही तो बनाते हैं, हम ही बिगाड़ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बनाने वाला है। अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो हमारे ये सपना साकार होके रहेगा।
आपको समय की इम्पोर्टेंस के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। समय की इम्पोर्टेंस जब आप समझ लोगे आपके जीवन में कितना ज़रूरी है, ये समय जो आप बिताए जा रहे हैं यूं ही बिना सपने के, दूसरों के सपने देखे हुए हैं, उनको साकार किए हुए, उनको देख देख कर आप दुखी हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। आपके पास में कोई अपना सपना नहीं है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपना सपना देखिए, और इतना बड़ा सपना देखिए कि आप तालाब उसमें डूब जाए और आप भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एक दिन आप भी चढ़ते चढ़ते वहां तक चढ़ जाएंगे जहां लोग उस पायदान पे खड़े हैं, जहां उनको रईस कहा जाता है, धनवान कहा जाता है, उनके पास में सुख साधन होते हैं। हम दूसरों के सुख साधन को देख के इतिश्री कर लेते हैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप सपने भी सोचते हैं और समय के बारे में सोचते हैं, तो आपको समय किस प्रकार मैनेजमेंट करना है इसका आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। समय को किस प्रकार आपने व्यतीत करना है, कहाँ कहाँ कितना कितना समय देना है, आपने कभी लिस्ट बनाई नहीं, आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो आज जहाँ आप पड़े रहते हो 11 बजे तक, रात की 2 बजे तक जागते रहते हो और फिर 11 बजे तक नींद में पड़े रहते हो, कब देखा आपने सपना? कब आपने इतनी बड़ी सोच को इम्प्रूव किया अपने आप के अंदर कि मैं ये कुछ बनूंगा? कुछ नहीं दोस्तों। आज ही उन बातों को भूल जाइए, पिछली बातों को भूल जाइए, और आज से ही शुरू कर दीजिए कि हमें कुछ बनना है। कई लोग तो ऐसे हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। लोगों को देख लेते हैं, बड़े कुढ़ते रहते हैं, बड़ी ईर्ष्या रखते हैं उनसे। अरे ऐसा नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। आज मान लीजिए एक सर्कस में आप गए होंगे, वहां देखा होगा कि एक लड़की है, वो तार पे चल रही है, पतला सा तार होता है, उस तार के ऊपर लड़की चल रही है, और हम अजूबा बना के कहते हैं कि अरे यार ये कैसे कर रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि वो कर सकती है लड़की होकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने जीवन में 2 क्वेश्चन अपने जीवन में रखना, आप कभी फेल नहीं होंगे। पहला, जब किसी को कोई अचीव करते हुए देखो, जब किसी को ऊंचा चढ़ते हुए देखो, तो पहला सवाल आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाउ कैन डू दे, हाउ कैन डू दे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं ऐसा, ये हमारे दिमाग में आ जाता है, यार वो कैसा कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, मैनेज कैसे कर लेते हैं, इतना बड़ा गोल होता है उनको, उसको अचीव कैसे कर लेते हैं। लेकिन दूसरा जो पर्सन मैं बता रहा हूं, जो अपने आप से पूछना है, वो लोग कामयाब हो जाएंगे जो अपने आप से दूसरा पर्सन पूछेंगे। और दूसरा पर्सन है जिसका जवाब है पहले पर्सन का। हम इतना सोच लेते हैं हाउ कैन डू दे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आई कैन डू इट, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूं। अगर वो कर सकते हैं, हमारी तरह वो इंसान है, वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। ये जब दूसरा नंबर का वाक्य आता है दिमाग में, तब हमें हमारी लाइफस्टाइल का भी पता चलता है, समय की इम्पोर्टेंस का ही पता चलता है, हमें हमारा सपना कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी पता चलता है। तो दोस्तों, ये जो बातें मैंने बताई है, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको जितना सो लिए, जितना आलस कर लिया, जितना नेगेटिव सोच लिया, ये सन 2021 को दे दीजिए। आने वाले 2022 के अंदर जो मैम ने बातें बताई है, उस बातों के ऊपर चलकर और अपने आप को कुछ
बड़ा बनाने की सोचिए और उसका पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। देखता हूँ मैं कौन रोकता है आपको बड़ा बनने से। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।